नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी और उसके दोस्तों की एक मजेदार कहानी देखेंगे और संख्या शून्य के बारे में सीखेंगे। एक शाम गैफी अपने दोस्त सनी की बर्थडे पार्टी में गई थी। बर्थडे पार्टी में बन्नी खरगोश, पुन्नू घोड़ा और शंभू छोटा हाथी भी मौजूद थे। सभी दोस्त पार्टी का आनंद उठा रहे थे। तभी सनी ने सभी दोस्तों को एक लाइन में खड़े रहने को कहा ताकि वो उनको टॉफी बांट सके। वे सभी बहुत उत्साहित थे। वे जल्दी से एक लाइन में खड़े हो गए। सनी ने अपना बॉक्स लिया जिसमें चार टॉफी थी। उसने पहले गैफी को एक टॉफी दी। अब बच्चों, उसके पास कितनी टॉफी बची थी? तीन। बिल्कुल ठीक। फिर उसने शंभू को एक टॉफी दी और अब उसके पास दो टॉफी बची थी। अब उसने पुन्नू को एक टॉफी दी और अब उसके पास केवल एक टॉफी बची थी। सनी ने आखिरी टॉफी बन्नी को दे दी और अब उसके पास कोई टॉफी नहीं बची थी। उसका बॉक्स अब बिल्कुल खाली था। इसका मतलब है कि उसके पास शून्य टॉफी बची थी, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है। बच्चों, शून्य लिखना बहुत आसान है। बस एक बड़ा अंडाकार बनाएं और ये बन गया शून्य। बच्चों, अब आपकी बारी है। यहाँ कुछ बॉक्स में टॉफी है। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस बॉक्स में शून्य टॉफी है? इसका उत्तर ढूंढें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने शून्य के बारे में सीखा।